आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो निधन खबर जब जिला में फैली तो सारा जिला मायूसी के चेहरे के साथ दिखाई दिया। आइए आपकी बात करवाते हैं श्रीमती कांता देवी सोसाइटी के अध्यक्ष अजय ठाकुर जी से। मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया, यह एक युद्ध का अंत है। वो हमारे बहुत अच्छे लीडर ही नहीं, मार्गदर्शक भी थे। भारतीय राजनीति के विश्व पितामह जाने जाने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमी को पूरा कोई नहीं कर सकता। वो कई लोगों के मार्गदर्शक थे, साथ ही साथ वो एक विश्व निर्माता भी थे। पोखरण में जो परमाणु का प्रशिक्षण किया वो उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो इसीलिए सफल हो सका क्योंकि वो बहुत ही दयालु और बहुत ही नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे देश का नाम विश्व स्तर पर बहुत आगे तक पहुंचाया। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे गरीबों की बात हो, उन्होंने हर तरफ अपना स्नेह और अपना प्यार हर किसी के लिए दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमी को कोई भी नहीं पूरा कर सकता। वो अटल थे, अटल है और अटल ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए धक्का है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे, और उनकी कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। वाजपेयी जी का निधन पूरे देश के लिए बहुत ही हानि का सबब है। श्री हरिओम भनोट जी प्रदेश से मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जो हिंदुस्तान के लोग हैं और फॉरेन कंट्री के भी लोग हैं उनके दिलों के सम्राट रहे हैं। वो आज भी हम महसूस करते हैं कि वो हमारे बीच में हैं। वो शरीर जरूर छोड़ गए हैं लेकिन अमर हो गए। लोग जब तक दुनिया रहेगी उनको याद करते रहेंगे। जो काम वो कर गए हैं वो काम कोई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, और हम सबको उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत थी। जैसा उन्होंने हमें प्रेरणा दी है हम वैसे उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को और शिखर पर पहुँचाएँगे। और जो उनके सपना था हिंदुस्तान को शिखर पर पहुँचाने का, वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम हिंदुस्तान को वैभव की ओर ले जाएं। धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आज एक बहुत ही बीमारी के पीड़ा के कष्टों से गुजर रहे हैं, आज हमारा मन जो हृदय वो विचलित हो रहा है। ये एक ऐसा ध्रुव का तारा है जिसकी पूर्ति और क्षति कभी भी नहीं की जा सकती। उनकी मधुर स्मृतियाँ, देश के लिए किए गए कार्य, विदेशों में भारत का नाम रोशन कैसे किया, ये उनसे आज के राजनीतिज्ञों ने सीखा है, जो कि मिसाल बन के रह गया है। विदेशों के साथ कैसे रिश्ते बनाने हैं ये युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है, और कैसे उन्होंने इस देश को जो पोखरण परमाणु बम भी हुए थे 1974 के बाद, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था, जो उनकी देन है भारत देश के लिए, वो कभी पूर्ति नहीं हो सकती। और वो एक राजनेता के साथ साथ कवि थे। वो अपनी कविता के माध्यम से ही कई बातें कह जाते थे। उनकी जो बातें हैं कविता में देखने को सुनने में मिलती थी, वो कैसे विपक्ष पर प्रहार करते थे, कैसे भारतीय जनमानस को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते थे। चाहे भारतीय जनता पार्टी के दो सांसद रहे हैं, 2 से 90 से आगे कैसे लेकर गए हैं, ये उनकी मेहनत, उनके साथियों की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उनकी जो लगन थी, और जो कार्यकर्ताओं का अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति प्यार था, विश्वास था, उसके कारण आज वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हर कार्यकर्ता के मन में राज करते हैं। आज
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आज राष्ट्र ने एक उच्च स्तर का राष्ट्रभक्त और समाज सेवी व्यक्तित्व खो दिया है। पूरा राष्ट्र उनके निधन से शोक व्यक्त है। जी अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही अच्छे सिगे, उन्होंने साडा बहुत सीगा, असी संगठन दे विच कट्ठे साडे घर भी आए सी, उन्होंने असी नाल बैठ के गल्लां करदे हुंदे सी, ते असी उस वेले आर एस एस दे मैंबर सीगे। हुण मैनूं आर एस एस मैंबर बनाउण नूं 50 साल उत्ते हो गए आ, मैं उन्हूं बड़ा फील हो रहा है कि वो सही ठीक हो जाए। ये दुख भरा समाचार सुन के कि हमारे प्रिय और हमेशा देश के बारे में अच्छा सोचने वाले हमारे पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में नहीं रहे, और इससे हमें और देश को बहुत ही नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन लगता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान।